तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अप्लाइड फिज़िक्स टू का आज पेपर हुआ है आ, सेमेस्टर सेकेंड वालों को उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे ये पेपर आज ही के दिन हेल्ड करवाया गया है फर्स्ट सिटिंग में फर्स्ट सिटिंग में तो उसी के सॉल्यूशंस हैं ये है। उससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल है पॉलीटेक्निक ज़िंदगी के नाम से तो कोई भी वीडियो की अपडेट होती है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर आती है तो आपका डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है इन ट्रांसफर्स वेव डायरेक्शन ऑफ वेव एंड ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल मीडियम इज ऑप्शन ए इन द सेम डायरेक्शन ऑप्शन बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑप्शन सी समटाइम्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन या डी नन ऑफ द दब तो ट्रांसफर्स वेव वही होता है जिसमें जो जिसका जो प्रोपिगेशन होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तो सवाल क्या है इन ट्रांसफर्स वेव डायरेक्शन ऑफ वेव एंड ऑसिलेशन ऑफ़ पार्टिकल तो वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का जो ऑसीलेशन होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तभी उसको ट्रांसवर्स कहा जाता है तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड द वेव लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिव क्रेस्ट ऑफ ए वेव ओनली ऑप्शन बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटि ट्रॉ ऑफ ए वेव ओनली सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू या डी नाइदर ए नॉट बी तो जो वेव लेंथ होती है वो डिस्टेंस होती है बिटवीन जो दो कन्जिक्यूटिव क्रेस्ट आपका हो या दो कंजीक्यूटिव ट्रॉ का हो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग वेव लेंथ कहते हैं ठीक है थीके? तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी बोथ ही एंड भी ठीक है दो पर्टिक क्रेस्ट हो जाए क्रेस्ट आपको पता है मतलब जो ऊपर जैसे वेव मूव करती है और ट्रॉ जो डिप्रेशन आता है तो उन दोनों की दो जो दो कंजिक्यूटिव ट्रॉक के बीच या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी यूनिट ऑफ वेव लेंथ इस ऑप्शन ए हर्ट्स ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉम ऑप्शन सी के ऑप्शन डी सेकेंड तो इसके चार के चारों ऑप्शन आई थिंक गलत है क्योंकि जो वेवलेंथ की यूनिट होती है ना और जो ऐसा यूनिट होती है वेव की वो होती है मीटर तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा ऐसा यूनिट होती है मीटर ना ही हर्ट्स हर्ट्स होती है फ्रीक्वेंसी एंगेस्ट्राम तो वही हो गई आपकी के जी होती है आपकी मास वास की और टाइम की हो गई सेकेंड ठीक है एंगेस्ट्राम होता है टेन के पावर माइनस टेन या एंगेस्ट्राम है या हालांकि एक के ऊपर डिग्री है तो एंगेस्ट्राम पढ़ रहा हूँ या एम्पियर भी अगर होगा तो वो भी करेंट की हुई तो वेवलेंथ की तो कोई यूनिट नहीं है तो जो ऐसा ही यूनिट होती है वेवलेंथ की वो मीटर होती है तो चारों ऑप्शन इसमें गलत है आपके क्वेश्चन नंबर फोर द एम्पलीट्यूड इज़ इन द फॉर्मूला वाई इक्वल्स टू टेन सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी वो क्या होगा ओमेगा टी बी ओमेगा टी प्लस थीटा सी टेन सेंटीमीटर या डी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा तो करेक्ट आंसर सबको पता है आपका ऑप्शन सी होगा टेन सेंटीमीटर क्योंकि ये जो आपका पार्ट होता है ये आपका एम्पलीट्यूड डिपेक्ट करता है क्योंकि देखो जर्नल जो फॉर्म फॉर्म होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का होता है ठीक है तो जर्नल फॉर्म तो यही होता है तो इसमें एम्पलीट्यूड पूछा है कौन सा होगा तो भाई ए

वो नॉर्मल हियरिंग से हमेशा ज़्यादा होती है और करेक्ट आंसर होगा मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्वेंटी किलोहर्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सी सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर ऑप्शन बी एंगल आई इज लेस देन एंगल आर ऑप्शन सी एंगल आई इज इक्वल्स टू आर या डी नॉन ऑफ दिस तो सबको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं एंगल आई इज इक्वल्स टू हर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी काफ़ी सिंपल पूछा गया आपको इस बार का पेपर इमेज इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज रियल इमेजनरी बोथ ए एंड बी आर ट्रू या नन ऑफ देम तो जो प्लेन मिरर में इमेज होती है वो आपको भी पता है वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है ठीक है तो वो रियल इमेज नहीं होती है क्योंकि वो इमेजनरी ही होती है तो करेक्ट आंसर क्या कौन सा होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जो कि है इमेजनरी इमेज आपकी इमेजनरी होती है रियल इमेज नहीं फॉर्म होती मिरर के पीछे क्वेश्चन नंबर एट मिराज इज पॉसिबल तो मिराज एक फेनोमेना होती है ठीक है और ये होता किस वजह से है जब ये जो है मिराज आपका डेजर्ट एरियाज में होती है तो ऑप्शन ए पूछा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन या नन ऑफ दम तो जो मिराज होता है वो टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इफ देयर आर टू सिमिलर चार्ज बॉडीज देन मतलब दो सिमिलर चार्ज है आप ऐसा एज्यूम करो प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू है या माइनस क्यू और माइनस क्यू है तो ये भी पता होगा सेम चार्ज क्या करते हैं रिपेल करते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो ओनली अट्रैक्शन टेक प्लेस ओनली रिपर्शन टेक प्लेस बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल ना इधर ए नॉर बी तो इफ देयर आर टू सिमिलर चार्ज बॉडी सिमिलर चार्ज है मतलब सेम चार्ज है तो रिपल्शन ही होगा तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अट्रैक्शन तो डिसिमिलर चार्जेस में होगा क्वेश्चन नंबर टेन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इज के जी वोल्ट एम्पियर या फेराड तो करेक्ट आंसर जो होगा टेन का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विच इज़ फेरेड डी है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम देखो करंट हमेशा मूव करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ठीक है तो इलेक्ट्रॉन का जो भी फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल अब आप ऑप्शन देख लो ऑप्शन ए है हाइर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑप्शन बी है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल सी uh, है कि वेन पोटेंशियल और रिमेन सेम तो तो कुछ होगा ही नहीं ऑप्शन डी नन ऑफ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन रेजिस्टेंस कलर कोडिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ब्लैक ऑप्शन ए जीरो ऑप्शन बी वन ऑप्शन सी टू या ऑप्शन डी थ्री तो रेजिस्टेंस कलर कोडिंग में जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ब्लैक होती है वो क्या होती है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जीरो तो आप ये पढ़ते भी होगे ट्रिक बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ उससे आप देखोगे तो ब्लैक का क्या आएगा कलर कोडिंग जीरो तो ट्वेल्व का ऑप्शन ए सही है थर्टीन का एफ ई थ्री ओ फोर इस डाया मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक एंटी मैग्नेटिक तो एक्चुअली इसमें भी जो थर्टीन का है सारे ऑप्शन गलत हैं एफ ई थ्री ओ फोर आपका है फेरी मैगनेटिक फेरी मैगनेटिक तो फेरो नहीं होना चाहिए यहां फेरी मैग्नेटिक होता तो आंसर आप सी सही बोल देते बट क्योंकि फेरोमैग्नेटिक है तो कोई भी आंसर सही नहीं होगा तो फेरी मैग्नेटिक ठीक है फेरी मैग्नेटिक सही होगा ना कि फेरो मैग्नेटिक ठीक है यहां फेरी मैग्नेटिक होता तो ऑप्शन सी सही होता आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन गेलवेनोमीटर्स द एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट ओनली मीजर्स द एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट एंड डायरेक्शन बोथ मीज़र द पोटेंशियल डिफरेंस ओनली मीजर द मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर दोनों मीज़र करता है आपका करंट की डायरेक्शन भी और उसका एम्पलीट्यूड भी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर इज प्योर इम्प्योर ए एंड बी बोथ आर ट्रू नाइदर ए और बी आर ट्रू तो सिंपल सी बात है आपको भी पता है इंटेंसिक में जब हम कोई डोपिंग करते हैं तो आपका जो सेमी कंडक्टर एक्सटेंसिक बनता है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा इम्प्योर सेमी ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन पी एन जंक्शन डायोड पी इज फाइव वोल्ट एंड एन इज टू वोल्ट तो देन बाइसिंग इज ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को क्लास में कि अगर पी फाइव वोल्ट है एन टू वोल्ट है तो अगर पी एन का आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो कितना होगा थ्री वोल्ट ये पॉजिटिव आया तो कौन सी बाइसिंग होगी सिंपल फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो क्या ऑप्शन है ए रिवर्स बी फॉरवर्ड सी इनवैलिड या बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉरवर्ड बाइसिंग क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सोलर सेल कन्वर्स लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्स थर्मल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्स थर्मल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी या बोथ ए एंड सी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्वेश्चन नंबर सेवन एटीन इन फाइबर ऑप्टिक्स द सिग्नल पासिस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इन द फॉर्म ऑफ लाइट लाइट के फॉर्म में जो है सिग्नल पास करता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स में क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नैनो साइज मीन्स टेन के पावर नाइन मीटर सिक्सटीन नाइन मीटर टेन के पावर माइनस नाइन मीटर या टेन के पावर नाइनटीन मीटर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टेन के पावर माइनस नाइन मीटर को कहते हैं वन नैनोमीटर ठीक है नैनोमीटर साइज यही होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लेजर इज हाईली कॉलीमेटेड ऑनली हाईली इंटेंस ऑनली मोनोक्रोमेटिक ऑनली या डी ए बी एंड सी तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी तो ये आपके बीस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस हो गए आप अपना स्कोर हमें बता सकते हैं कि आउट ऑफ ट्वेंटी आपके कितने आए कॉमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर बताएं और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और, और भी ज़्यादा शेयर करें जिससे हम आपके लिए ऐसे भी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ला सकें थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो